बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक हो? उम्मीद कर मैं ठीक हो। सो आज एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज बनाएंगे जी हॉट एंड स्पाइसी चिकन लेग रेसिपी है आज की। तो ये मेरे पास चिकन लेग भी है और थाई के पीस भी है, तो इनको करेंगे रोस्ट। तो सबसे पहले इसको मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे लेमन जूस, एक बड़ा लेमन है ये इसमें डालेंगे। जी तो लेमन जूस डाल दिया, तो अब इसमें डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले 2 टीस्पून डालेंगे रेड चिल्ली पाउडर, 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून तंदूरी मसाला, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून डालेंगे पेरी पेरी मसाला, 1 टीस्पून पपरिका पाउडर, ये 1/2 टीस्पून रेड कलर ये डालेंगे। सारे मसाले डाल के 1 कप बेसन का है ये डालेंगे। ये 1/2 कप है मैदा ये डालेंगे। सारी चीज़ें डाल के इनको अच्छी तरह करेंगे मिक्स। जी तो अब मसाले अच्छी तरह मिक्स कर लिए, तो इसमें डालेंगे अब पानी कि अच्छी तरह इसके साथ बेसन और मैदा चिपक जाए। जी तो लगों को हमने बेसन और मैदे में मिसालों में अच्छी तरह मिक्स कर लिया, ये देखें माशाल्लाह। तो अब इसको देंगे 15 से 20 मिनट रेस्ट, तो मिलेंगे इंशाल्लाह 15-20 मिनट के बाद। जी तो 20 मिनट हमारे पूरे हो गए हैं, तो तेल हमारा गर्म है, तो अब एक एक करके डालेंगे इसको, फ्राई करेंगे इंशाल्लाह। जी तो काफ़ी सारी हमने डाल ली है लेग और थाई दोनों, तो तकरीबन इसको लगेंगे 8 से 10 मिनट फ्राई होने में, तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। जी तो माशाल्लाह जी, ये देखो माशाल्लाह हमारी लेग रोस्ट बिल्कुल रेडी है। अब इनको निकालेंगे, माशाल्लाह बड़ा प्यारा कलर आया है। 10 से 12 मिनट लगे हैं तो रोस्ट होने में, तो ज़रूर ट्राई करना। आगे से ईद आ रही है, ईद के लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, तो ईद पे ट्राई करना। जी तो माशाल्लाह देखें जी, लगे हमारी बिल्कुल रेडी हैं, बहुत प्यारी बनी है, ज़रूर ट्राई करना।
तो बड़ी प्यारी रेसिपी है। तो वीडियो को करते हैं ख़त्म। तो उम्मीद करते हैं आज की हमारी वीडियो आप लोग ज़रूर पसंद करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।